दोस्तों आज हम बर्गर सॉस बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि मैं फूड रिलेटेड सॉस रिलेटेड वीडियो ही बनाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं ये सॉस बनाऊं इससे पहले कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी रेलवे स्टेशन के बाहर या किसी बस स्टॉप में कोई ठेला लगा के बर्गर या सैंडविच बेच रहा है, वही सामने कोई रेस्टोरेंट है जो उनका नहीं चल रहा है, ठेले पे बहुत अच्छा कस्टमर है, लाइन लगा के खा रहे हैं। क्या मतलब है? हम सोचते हैं कि रेस्टोरेंट वाले का रेट ज़्यादा है, वहाँ 50 रुपया में मिलता है, रेस्टोरेंट में 70 रुपया है, इसलिए हमारा नहीं चल रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा 15 साल का तजुर्बा ये कहता है कि आपको अपने टेस्ट पे ध्यान देना है। सबसे मेन चीज़ टेस्ट है। अगर आप टेस्ट अच्छा दोगे तो ज़रूर कस्टमर आपके पास आएंगे। देखिए ये चीज़ फूड ये लोग रेस्टोरेंट में हमेशा खाने नहीं आते, वो शौक से खाने आते, खाने का एंजॉय करने खाने के लिए आते। तो आपको अपना टेस्ट हमेशा ख्याल रखना। तो अगर आपको आपके रेस्टोरेंट को ग्रोथ करना है, टेस्ट अच्छा करना है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल एक सॉस से आज का बर्गर का। ये कुछ मेयोनीज है और ये कुछ कर्ड है, जो ये कर्ड को आपको किसी पतले कपड़े में लेके इसका पानी निकाल लेना है। फिर ये कुछ शुगर है, ये सॉल्ट है, और ये मैं बताऊं तो ये मद्रास कड़ी पाउडर है जो आप लोग को अमेजोन में फ्लिपकार्ट में इजीली मिल जाता है। मद्रास कड़ी पाउडर ये इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये ब्लैक पेपर बड़ा सिंपल है, इसे आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा बर्गर बनता है नॉन वेज का। ये वेज में उतना नहीं अच्छा रहता है जितना नॉन वेज में रहता है। तो ये हमारे सॉस रेडी है, आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के कलर है। तो हम देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। मुझे इसका टेस्ट का पता है, आप लोग इसे टेस्ट करें, इससे बनाए टेस्ट करें, इसका बर्गर बहुत अच्छा बनता है। इसका चिकन बर्गर, बीफ बर्गर दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा बनता है इसका, बहुत अच्छा है। इसी तरह आप लोग हमसे जुड़े रहें, अलग अलग सॉस अलग अलग फूड रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी इजी लगा होगा, ट्राई करें, टेस्ट करें, बहुत अच्छा बनता है। थैंक यू।